आइए आज आप लोगों को प्रतापगढ़, जहाँ मेरे पतिदेव रहते हैं, वहाँ का टूर कराते हैं, उनके होम टूर कराते हैं। उनके घर जाने का रास्ता कैसा है, उनका घर कैसा है, उनका किचन कैसा है, उनके नहाने का स्थान कैसा है, तो कैसे कैसे वो अकेले रहते हैं। कभी कभी मैं भी आती हूँ, उसी में मैं भी अपना गुजर बसर करती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा शांत है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आप लोगों को घुमाते हैं। तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में यूं ही बने रहें, चलिए गाँव देहात की सैर और इंजॉय करें, आनंद लें। उधर से होके मेन रोड से उधर से होते हुए रास्ता आता है, इसमें से आता है, इसी से चार पहिया भी आती है, इसी से दो पहिया भी आती है। बड़ा प्यारा लगता है। जब बारिश वरिश होती है, इस समय नरकट है, सब काट ले गए हैं, तो थोड़े सूखे भी हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यहीं से होते हुए फिर इसके बाद में इधर गढ़ही है, इसमें पानी है, और इसके बाद में इस रास्ते होके जाते हैं, इधर दूसरे के यहाँ सब जाते हैं, ये रास्ता हमारा जाता है। इधर भी गढ़ही है जो कि अभी सूखी हुई है, बारिश आएगी तो सब भर जाएंगे, थोड़े थोड़े हैं सबके, इसी में सब नालियाँ इसी में लगा रखे हैं। तो है तो कितना अच्छा लग, बहना है, जलकुंभी भी होती है, एक चोर चोर करके वो कांटा वाला पेड़ होता है वो भी है, और ये मदार का पेड़ भी उगा है। कूड़े भी इधर सब फेंकते हैं, और इधर देखिए कितनी अच्छी चिड़िया आवाज़ दे रही है। और इस रास्ते होके हम जाते हैं ऐसे करके, बहुत ही अच्छा लगता है पूरा। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पेड़ पौधे, पूरा बांस की कोठी, ओलिप्टस का पेड़, ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी है, पता नहीं काहे चीज़ का है, इधर कैंथ का पेड़ है, कैंथा एक तो होता है, गोला गोला फल लगता है, देखिए वह उसमें चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। ये मदीने का पेड़ है जो टिकाऊ नहीं होता है, बस छाया वाया के लिए ठीक रहता है। इस तरह से है, ये मंदार का फूल भी लगा है, कितना अच्छा। ये मतलब कि टॉयलेट है, लेटरिन बाथरूम जाने के लिए, नहाने के लिए नहीं है। ये पेड़ तिवारी जी ने काट दिया सारा पेड़। इधर नीम का भी पेड़ है, अच्छी पेड़ों से अपनी बाउंड्री बना रखा है। इधर भी पेड़ है, वहाँ लगा रखे हैं, बैगन लगा रखे हैं, पालक लगा रखे हैं, ये भी पेड़ इन्होंने काट दिया। मैं इसी के नीचे वीडियो वीडियो बनाती थी। ये तिवारी जी का पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तिवारी जी का है। इसके बाद हम दिखाते हैं कि हमारा रूम कहाँ। इधर भी पूरा कनेल का फूल वगैरह है, इधर दूसरे लोग रहते हैं, इनके यहाँ गाना बजाना अधिकांश आता है। मैं यहीं बैठ के उस दिन लाइव आई थी, अभी फिर लाइव आऊँगी। और इसमें समरसेबुल लगा है, इसमें समरसेबुल लगा है, यही नहाया जाता है, जिसमें समरसेबुल चलता है इतना ठंडा ठंडा पानी आता है, नहाने में हालत ख़राब हो जाती है। और इधर बरामदा बना रखे हैं, डारा वगैरह डाल रखे हैं, इधर गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती है, मेरी पल्सर खड़ी है। एक शॉर्टकट रास्ता इधर भी है, मेन रोड निकलने के लिए नज़दीक पड़ता है ये, इधर भी है। ये किचन है मेरा, ये मेरी स्कूटी खड़ी है, धूल पड़ गया है इस पे। और उधर तिवारी जी का घर है, ये किचन है, किचन भी दिखाते हैं आपको। थोड़ा हार्ड दरवाज़ा है, मैंने बर्तन वगैरह माँज के वो लगा दिया है पूरा, इधर पानी भरा है। और ये इधर चूल्हा है, इधर सारा सामान है। यहाँ चूँकि प्लेटफॉर्म वगैरह भाई किराए पे कौन कैसा दिया, तो उसी हिसाब से हम रहेंगे ना, हमें हाउस सेटिंग तो कर नहीं पाएंगे। ये हो गया किचन इनका। और अब चलते हैं कमरे की तरफ, कमरे में खूब सारे कपड़े उपड़े टंगे हैं। ये कूलर है, इधर इन्वर्टर ले आके लगा दिया, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती थी, लाइट अधिकांश देहात में चली जाती थी, तो इन्वर्टर ला के लगा दिया है। और ये कूलर है, इसको चला देते हैं, थोड़ा चला के चेक करते हैं। और इधर पानी का बाटल वगैरह, इनका थोड़ा दवा कंघी ये सारी चीज़ें रहती हैं। इधर फैन भी लगा हुआ है, इधर छोटे छोटे बच्चों की बहुत अच्छी फोटो लगी हुई है, ये दबा देंगे पंखा भी चलने लगेगा। पर यही रहा, बिस्तर यहाँ लगा है डबल। और इसके बाद में इधर भगवान जी रखे हैं, पूजा पाठ भी हो जाता है। और इनकी वर्दी वगैरह इधर रखी हुई है, सामान वामान रखे हैं सब, ये अपना ले आते हैं, गमछा वमछा सब इसी में डाल देते हैं। और जैसे तेल है, शैम्पू है, और डिओड्रेंट वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ रखते हैं। पानी का गैलन यहाँ रखा है, हेलमेट वहाँ रखा हुआ है, और ऐसे है सब। तो हो गया पूरा होम टूर, खूब चिड़िया पक्षी बोलते हैं। तो फिर कैसा लगा होम टूर यहाँ का भाई? अब यहाँ देहात है, देहात में जैसा है वैसा मैंने दिखाया।